हेलो, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं अपने चैनल पे आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कोई और भी है जो आपको चाहता है, क्या कोई और भी शख्स है जो आपको दूर से ही देख के पसंद करता हो, चाहता हो। क्या चल रहा है आपके प्रेजेंट लाइफ में? अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, उसमें क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ये हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। बेसिकली हमें ये जानना है कि क्या कोई और भी है जो आपको चाहता है। ओके, देखिए गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ओके, तो देखते हैं अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए गाइस, किसी चीज़ का आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें बदलें आपकी लाइफ में, ऐसा सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ रुक गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, या ओवरऑल आप मुझे किसी भी चीज़ के लिए एक वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए यहाँ मुझे आप नज़र आते हैं। हो सकता है किसी एक ऐसे वक्त की आपको इंतज़ार हो, जो वक्त आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया हो, उसके आने से आपकी लाइफ में चीज़ें बदल जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो आप बहुत ज़्यादा टाइम से जिसके पीछे लगे हों, जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हों, या किसी ऐसी चीज़ को, जैसे कि लाइफ में सुख हो, शांति हो, पैसा हो, या आपका जॉब हो, आपका कैरियर हो, किसी भी चीज़ में आपको एक वेट मुझे करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ कब मूव होंगी, ऐसा मुझे आपकी सिचुएशन यहाँ, आपकी एनर्जी यहाँ नज़र आती है। रिसेंट अगर आप इस वक्त किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, क्या सोच रहे हैं, क्या किस तरह से चल रहा है आपका रिलेशनशिप। ओके, देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कार्ड कह रहा है कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके जगल कर रहे हों, सोच रहे हों कि ये चीज़ की जाए या वो चीज़ की जाए, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में, मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि क्या कोई और भी है जो आपको चाहता है, हो सकता है दो पर्सन हो आपकी लाइफ में और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हों कि मैं किसको चूज़ करूँ और किसको छोड़ूँ, कौन सी मेरी लाइफ के लिए, कौन सा पर्सन मेरी लाइफ के लिए परफेक्ट है और कौन किसको मेरी लाइफ से चले जाना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो। या ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हो, जिनको आप अभी चाहते हो, जिनके साथ अभी रिसेंट आपका रिलेशनशिप चल रहा हो, वो इस तरह की कुछ चीज़ सोच रहे हो, उनके पास एक ऑप्शन हो आपके अलावा भी कि मैं किसको अपनी लाइफ में लेकर आऊँ और किसको जाने दूँ, ऐसा वो भी सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। तो प्रेजेंट के रिलेशनशिप में आपका कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ कैच होते हुए नज़र आ रही है। यानी कि जिस भी रिलेशनशिप में अभी आप हैं वो रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दे रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल, एक साइकिल से निकलने का समय आ गया है। ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में काम नहीं कर रही हैं, उन सब चीज़ों को बदलने का टाइम आ गया है। ये बदलाव आप खुद करेंगे, आपकी एनर्जी ऐसे होने वाली कि अब चीज़ों को आप समझने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में रुक जानी चाहिए, ठहर जानी चाहिए और किन चीज़ों से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है गाइस। मेरे ख्याल से ये जो आपका अभी जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें आपको नहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा। इसमें कुछ आपको एक मजबूती नज़र नहीं आ रही है, कोई ऐसा ठोस कमिटमेंट उन्होंने आपको नहीं दिया है, या ऐसी कोई वजह ज़रूर है जिसकी वजह से इस रिश्ते में ठहराव नहीं है, मैं देख रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको कि चीज़ें बदलने वाली हैं, आपकी लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, एक चक्र पूरा हो गया है, कोई काल का चक्र था, एक कहते हैं ना कि एक साइकिल पूरी हो के नई साइकिल शुरू होना, ऐसा कुछ शुरू होने जा रहा है। आपकी लाइफ में कुछ नयापन मुझे आते हुए दिख रहा है और डेफिनेटली अगर आप अपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है, अब इसको बस बहुत हो गया, मैंने बहुत दे दिया इस रिश्ते में, अब
मुझे और आगे सोचना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो अब आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो एक नई सोच आपके उस या कुछ नया आइडिया आपको लाइफ में आएगा, या आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में जो नया आ रहा है, ये एक बहुत ही कहते हैं ना, एक बहुत ही हसमुख, एक बहुत ही जॉली नेचर का पर्सन ये होगा। इसका ये बहुत गुड लुकिंग होगा, या अगर ये कोई महिला है, फीमेल है, तो ये बहुत खूबसूरत होंगी। इनका जो एक टोटल ओवरऑल एक जो एक अपीरेंस है वो बहुत ही अच्छा होगा। आपको, आप इनको देखते ही इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या ये आपको देखते हुए आपको देखेंगे तो आपकी तरफ इनको कुछ कुछ ऐसी चीज़ है जो इनको आपकी तरफ खींचेगी। तो ओवरऑल मुझे यहाँ अभी तक की रीडिंग में ये नज़र आ रहा है कि आप जिस भी रिश्ते में हैं उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, उसे छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन निकट भविष्य में ही आपके बहुत जल्दी ही फ्यूचर में, बहुत ही कुछ ही टाइम में या कुछ ही हफ्तों में ही एक नया पर्सन मुझे यहाँ आते हुए नज़र आ रहा है। जो पर्सन आपसे मिलेगा और आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, इसके साथ आपकी एक बहुत अच्छी तालमेल बैठने वाली है, यानी कि एक फ्रेंडशिप शुरू होने वाली है। ये फ्रेंडशिप जो आपकी शुरू होगी वही शायद आगे चल के धीरे धीरे ये प्यार का रूप ले लेगी, क्योंकि एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ईमानदार है, बहुत केयर करने वाला है। पर ये पर्सन अपनी केयर नहीं करता है, ये अपने से ज़्यादा अपने जो जो लोग इससे जुड़े हुए होते हैं उनकी केयर ज़्यादा करता है। इनोसेंट है, इसके आने से, इसके साथ रहने से, इसके साथ बात करने से आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। या किसी किसी के मैं देख रही हूँ किसी किसी के लाइफ में एक ऐसा पर्सन ऑलरेडी आ चुका है गाइस, ऑलरेडी किसी किसी के लाइफ में ऐसा पर्सन आ चुका है। ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में अभी तक बढ़ नहीं रही थी ना, वो बिल्कुल सडनली एकदम से बढ़ती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली कुछ तो पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से आपने उस रिश्ते से मूव ऑन या तो ऑलरेडी कर लिया है या आप करने वाले हैं। ये जो नया समय आपके लिए शुरू होने जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को लेकर आपकी लाइफ में आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, एक फ्रेंड के साथ, एक पार्टनर के साथ जो कमिटमेंट आप चाहते हैं, स्पेशली पार्टनर के साथ, वो कमिटमेंट आपको हाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। या कोई फ्रेंड, अगर आपकी लाइफ में नया फ्रेंड किसी ने एंट्री ली है, तो वो फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा केयर करते नज़र आ रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा ईमानदारी के तरीके से, यानी कि बहुत ज़्यादा ईमानदार रहे कि ये पर्सन आपसे इस रिश्ते को निभाना चाहता है और निभाएगा भी। कौन है ये पर्सन, क्या इसको डेस्टिनी ने आपके लिए लिखा है, या क्या है, या खुद से बहुत टाइम से आपको वॉच कर रहा था, आपको देख रहा था, बात करने की हिम्मत जुटा रहा था पर बात नहीं कर पा रहा था। ओके, ये पर्सन ऐसा है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो दिल ही दिल में आपसे ऑलरेडी आपसे प्यार करता है। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आया है, इसका इसके दिल में ऑलरेडी आपके लिए प्यार है। पर ये जब आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, ये एकदम से ये पहले आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगी या चाहेंगे, जो भी है, मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लीजिए, ये पहले आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, आपको समझेंगे और पूरा मौका देंगे आपको कि आप भी इनको समझें, और उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं गाइस। पर एक बात तो बिल्कुल तय है कि इस पर्सन के माइंड में आप चलते हैं, इसके दिल दिमाग में आप चल रहे हैं, ये 24/7 आपके बारे में सोचता है, इसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। या जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अब एंटर करने जा रहा है, वो आपके साथ एक बहुत ट्रांसपेरेंट, एक बहुत सच्चा प्यार, एक कहते हैं ना, एक पवित्र प्रेम को लेकर अपने मन में आपके लिए ये पर्सन आ रहा है। आपको ये पर्सन ऐसा फील कराएगा या कराएगी कि अब आपको महसूस होगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। अब आपको महसूस होगा कि कमिटमेंट में जब दो लोग बंध जाते हैं तो उस कमिटमेंट को निभाया कैसे जाता है, अपने रिश्तों की कद्र कैसे की जाती है, केयर कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ आपको महसूस होने वाली हैं। ये सारी सिचुएशन इनके सामने साथ में देखने वाले हैं। एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, अगर आप पिछले किसी रिश्ते से निकल कर आए हैं और रिश्ता काम नहीं किया है, और अब आपके लाइफ में एक जो नेक्स्ट पर्सन आ रहा है, ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आपके साथ होने वाला है गाइस। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बैलेंस का कार्ड आया है।
देखिए गाइस, जो भी चीज़ें आपके मन में, पता है क्या हो गया, एक अविश्वास भर गया आपको। अब शायद किसी पे भी ट्रस्ट करने में आपको वक्त लगेगा, आपको लगेगा कि मैं किसी भी पर्सन पे अब ट्रस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, पर ये पर्सन, आप इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। चीज़ों को आप तौल तौल के देखने लगेंगे, यानी कि क्या अच्छा है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, क्या चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ये इस तरह के बैलेंस में मुझे आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअली भी आपकी जो, अगर आप अभी तक स्पिरिचुअलिटी से दूर थे, तो अब आप स्पिरिचुअल एक लाइन आपके लाइफ में शुरू होने वाली है, एक स्पिरिचुअल समय शुरू होने वाला है। अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने गुरु से, अपने अल्लाह से आप जुड़ने वाले हैं। और एक मैं आपको बता दूं कि कोई बहुत दैवीय शक्ति है, कोई कोई एंजल है जिसकी आपके ऊपर कृपा है, या ऑलरेडी आप किसी भगवान को पूज रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या रेगुलर कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी एक बहुत कृपा मुझे आपके ऊपर आती हुई नज़र आ रही है। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी होने वाली है वो ये है कि आप एक हर्मिट मोड में जाने वाले हैं, यानी कि अभी तक जो भी आपके पास्ट के लोगों ने या आपके पास्ट के पर्सन ने आपको फील कराया है कि अरे आप तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हैं इस रिश्ते में वही हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर है, आपके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, इस तरह की फीलिंग अगर आपको वो करा रहे हैं, आपको इग्नोर करते रहे हैं, आपको निग्लेक्ट करते रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से आप निकल के आएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। आपको अब महसूस होने वाला है कि आप भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल दिल से आपसे प्यार कर सकता है, यानी कि आपको भी लगेगा कि आपकी भी कोई हस्ती है, आपकी भी कोई एक छवि हो सकती है। आप ऐसी अपनी इस छवि को और इन्हांस करने में लगेंगे, यानी कि आप अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए जुट जाएंगे, अपने स्किल्स पे काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, या फिटनेस से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा निखरती चली जाएगी। गाइस, इस पर्सन के आने से ये जो नेक्स्ट, ये नया पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द जिसकी एंट्री होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है, ये पर्सन आपको आपके वजूद से मिलाने आ रहा है। ये पर्सन आपको महसूस कराएगा कि आप भी जो कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको किसी चीज़ में लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, तो उस चीज़ पे आप काम कर सकते हैं। और वो आपको फील कराएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सकें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें, चीज़ों को बदल ना सकें। आप एक कम्प्लीट पैकेज की तरह उनकी नज़रों में आपको वो फील कराएंगे कि आप एक कम्प्लीट पर्सन हो, आपके अंदर सब कुछ है, आप जो कुछ भी चाहो इस लाइफ में हासिल कर सकते हो। पूजा पाठ में आपका बहुत ज़्यादा रुझान मुझे अब होते हुए नज़र यहाँ पे आ रहा है गाइस। एक बहुत, देखिए बहुत ही, शायद आपने एक स्टक वाला पीरियड अपनी लाइफ में देखा है, जहाँ पे चीज़ें अटक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, आप थक गए थे, बिल्कुल एक परेशान हो गए थे, और एक त्रिशंकु की तरह लटक रहे थे, ना इधर ना उधर। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ से सारी अब यहाँ पर टलने वाली हैं, और ये पार्टनर जो भी आपकी लाइफ में अब आया है या आ रहा है, इसके आने से आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। यानी कि एक अच्छा समय आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। ये जो पर्सन है, इस पर्सन के आने से आप बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। और ये पर्सन आपको ऑलरेडी कहीं से या तो स्टॉक कर रहा था, सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहा था, आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, या दूर दूर से ही आपको देख के ये पसंद करता था। और देखते हैं इस पर्सन को आपके पास्ट के बारे में कुछ पता है कि नहीं। डेथ का कार्ड आया है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। जी हाँ, शायद इस पर्सन को ऐसा पता है कि आपने किसी रिश्ते से मूव ऑन किया है, या ये भी हो सकता है कि आप खुद इस पर्सन को ये बताने वाले हैं कि मैं पहले भी किसी एक रिलेशनशिप में रह चुका था या रह चुकी थी। चीज़ें, जो भी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, उन चीज़ों की नई शुरुआत का कार्ड आया। मैंने आपको एक, देखो दो दो कन्फर्मेशन आए हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नई होंगी, लाइफ में नई चीज़ें आएंगी, यानी जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उनसे अब कोई मतलब नहीं है, अब आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। एक बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है, बस आपको इस समय में थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। डेथ कार्ड बता ही रहा है कि जितनी भी पुरानी या मुश्किल सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है, वो सारी की सारी अब निकलने वाली हैं गाइस।
तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो अपने लिए, आप ये एक फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ को कंट्रोल में आप अपने हाथों से अब लेने वाले हो गाइस। तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, अच्छाई की तरफ बढ़ने वाली हैं। जो भी एक जो स्टक वाली पोजीशन थी, या ऑलरेडी हो सकता है कि आप दो लोगों में कन्फ्यूजन कर रहे होंगे कि कौन मेरी लाइफ में रहेगा कौन जाएगा, उसमें भी आप मुझे एक पर्सन को जो आपके लिए बेहतर है और जो आपके लिए बेहतरीन है उसको चूज़ करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट हर चीज़ों के लिए। जो भी चीज़ें अच्छी और सुंदर आपकी लाइफ में होने जा रही हैं उन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दे रही हूँ गाइस। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और कमेंट में एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।